दोस्तों आज हम बात करेंगे सुहावी के बारे में, जो कि तहसील पसरूर ज़िला सियालकोट के एरिए में आता है और ये नहर मराला रावी से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर है। ये गांव का सबसे मेन रास्ता है जो कि गांव सुहावी से मिलकर सीधा पसरूर रोड से जा मिलता है। इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए लोग दूसरे शहरों में जाते हैं। गांव में दाखिल होते ही ये गांव की सबसे बड़ी और मेन गली है। इसी गली के साथ बहुत सारी छोटी छोटी गलियां और भी जुड़ी हुई हैं जो गांव के अंदर तक जाती हैं। ये रोड गांव के बाहर से होता हुआ दूसरे इर्द गिर्द के गांव से जा मिलता है और यही रोड गांव के बाहर से होते हुए गांव के दूसरी तरफ से गांव के अंदर दाखिल होता है, जो कि सीधा गांव के अंदर मौजूद मेन बाजार से जा मिलता है। ये गांव का मेन बाज़ार है जहां ज़रूरत ज़िंदगी की तकरीबन हर चीज़ मौजूद है। ये रास्ता सुहावी गांव को दूसरे गांव से जोड़ता है। ये रास्ता गांव के मगरब की तरफ वाक़या है जो कि गांव का मेन रास्ता है। इसी रास्ते को दूसरे गांव के लोग इस्तेमाल करते हुए इस गांव में दाखिल होते हैं। ये रास्ता गांव के बाहर निकलकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक रास्ता पसरूर रोड से जा मिलता है और दूसरा रास्ता साथ वाले गांव सरंगिया से होता हुआ कोटली बाबा फकीर चंद से जा मिलता है। के मेन रोड पर ही एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भी मौजूद है, जहां पर बच्चे अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल करते हैं। गांव में एक और स्कूल भी है जो कि प्राइवेट है, यहाँ पर भी बच्चे अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल कर रहे हैं। गांव की आबादी ज़्यादा होने की वजह से इस गांव में 3 बड़ी मस्जिदें हैं, जहां पर लोग नमाज अदा करके दिली सुकून हासिल करते हैं। मस्जिद के साथ ही एक दरबार वाक़या है। ये दरबार जिस हस्ती का है उसका नाम तो ऊपर नहीं लिखा हुआ, लेकिन लोग यहाँ पर हर जुमेरात को मोमबत्तियाँ जलाकर दिली सुकून हासिल करते हैं। गांव में ईसाई बरादरी भी रहती है, जिन्होंने अपनी इबादत के लिए चर्च भी बना रखा है। दोस्तों, अब हम आपको गांव की अंदरूनी गलियों का विजिट करवाते हैं। गांव की तारीख बहुत पुरानी है। ये गांव 1947 से पहले का है, इसलिए इस गांव की गलियां बहुत छोटी छोटी हैं, जो कि आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। दोस्तों, गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर गांव का कब्रिस्तान है, जहां पर लोग अपने प्यारों को दफन कर चुके हैं। इसी कब्रिस्तान में एक बहुत बड़ी हस्ती सुबेदार महमूद अख्तर शहीद, जो कि दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे, उन्हों की कब्र मुबारक भी इसी कब्रिस्तान में है। ये गांव की ईदगाह है, जहां पर हर साल तमाम गांव के लोग इकट्ठे होकर ईद की नमाज अदा करते हैं। गांव के बाहर एक छोटी सी फैक्ट्री है, जहां पर मुजस्मे तैयार किए जाते हैं। इन मुजस्मों को शहर में बेचकर लोग अपना ज़र मुबादला कमा रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दुनिया इनफो को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।